तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज हम आप लोगों को ले जाने वाले हैं सिक्किम, क्योंकि मेरा एडमिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो हम पहुंच गए फरकतिंग स्टेशन, अब ट्रेन के लिए वेट कर रही हूँ। कुछ समय बाद हम लोग ट्रेन पे अपने अपने सीट में बैठ गए, तो मैं ऊपर आ गई क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो हम लोगों ने टिफिन ले आए थे, तो रोटी के साथ आलू की सब्ज़ी मैंने और मेरे मामू ने खाया। तो उसके बाद मुझे एक फ्रेंड भी मिली जो सिक्किम यूनिवर्सिटी में जा रही थी। उसके बाद ट्रेन से ये देखिए हमारे आसाम का नज़ारा। मुझे थोड़ा सा थकान महसूस हुआ, इसलिए मैंने ऊपर में ही सो गई। नीचे मेरे माँ और मामू ने दोनों ने अपने अपने सीट अरेंज कर दिए, तो ऊपर मेरे जो फ्रेंड मिल गए थे वो भी सोने लगी। उसके बाद हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँच गए। तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से भी सिक्किम जाने के लिए गाड़ी लेना पड़ता है, तो हम स्टेशन में फ्रेश होकर गाड़ी के लिए निकल पड़े। तो एक भैया जी आए, तो हमें इस गाड़ी पे बैठा कर सिक्किम की ओर ले जाने वाले थे। तो कुछ समय बाद हमारा गाड़ी स्टार्ट हुआ और चल पड़े सिक्किम की ओर। रास्ते में इतना सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला, पहाड़ों के किनारों से सूर्य की पहली रोशनी आकर हमें टकराई और नदी, पहाड़ और सूर्य की पहली किरणों के साथ ये नज़ारा देखने लायक था। और पहाड़ों के बीच ये रास्ता सिक्किम की ओर जा रही थी, तो हम पहाड़ों में चल रहे थे धीरे धीरे। तो सिक्किम पाने के लिए और बहुत दूर बाकी थे, लेकिन रास्ते में कितने सारे मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिले वो हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारी गाड़ी पहाड़ों के किनारों में रुका दिया, तो जिसको टॉयलेट आ रही थी वो टॉयलेट जाकर आया। उसके बाद हमारे गाड़ी तेल भराने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप पर रखाया गया। थोड़ी ही देर के बाद हम पहुँच गए गैंगटॉक सिक्किम। उसके बाद हमने होटल सिमसार में एक रूम बुक किया, तो वहाँ जाकर हम फ्रेश हो गए। हमारे रूम से सिक्किम का व्यू दिखाते हैं। ये है पहाड़ और ये क्या है मुझे पता नहीं है, तो बहुत सुंदर व्यू है। और यहाँ एक टॉमी भी थे, वो बहुत प्यारे थे। तो ये है हमारा रूम। उसके बाद हमने खाना खाने के लिए फिर से रेडी हो गए कपड़े वगैरह पहनकर। रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते हम चल पड़े, क्योंकि यहाँ आसाम के खाना भात वगैरह ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो हम कोई आसामी होटल ढूंढने लगे। उसके बाद सुंदर रास्ते से गुजरते हुए हमें एक होटल मिल गया जो आसामी से, उसका नाम जोबिली या कुछ था। तो हमें खाने को मिले भात, उसके साथ दही भी थे, रोटी भी थे, पापड़ और दो सब्जी एक दाल। तो बहुत टेस्टी था खाना। ये वेजिटेरियन होटल है।
उसके बाद हमने थोड़े बहुत खाने के लिए शॉपिंग कर दिए। मुझे पीजी भी ढूंढना था क्योंकि मुझे सिक्किम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए पीजी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए हम लोग चल पड़े एमजी मार्ग। ये एमजी मार्ग, मैं पहली बार सिक्किम आ रही हूँ तो ये एमजी मार्ग मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने पहले टीवी पे एमजी मार्ग देखी थी तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ बारिश होते ही रहते हैं तो हम चल पड़े कुछ सामान खरीदने। तो ये देखिए एमजी मार्ग। हमने कुछ शॉपिंग वगैरह किया जो मेरे लिए ज़रूरी था, तो कंबल लिए। होटल आते आते अंधेरा हो चुका था तो हम होटल पहुंच गए। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।